हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। चलो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, हम अपने मेन टॉपिक की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 18650 बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको पुरानी लैपटॉप की बैटरी के अंदर और ख़राब पावर बैंक के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पावर बैंक के अंदर से निकाली है। ठीक है, उसका सर्किट ख़राब हो गया था तो उसकी बैटरी हम इस काम में ले लेंगे अभी। ठीक है, पावर बैंक की है। और ये एक चाहिए आपको एक प्रोटेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड आपको मेरे को ये 180 रुपये का मिला है, मतलब 360 रुपये के दो बोर्ड मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं अमेजोन से। ठीक है, ये बहुत अच्छे खासे बोर्ड है फ्रेंड्स, ये 20 एम्पियर तक का लोड झेल सकते हैं। ठीक है, इस बोर्ड की मदद से आप 20 एम्पियर तक की बैटरी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर ये आपको परचेज करने है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और पीसीबी क्वालिटी बहुत ही मस्त है। ठीक है, और ये मैं ले रहा हूँ दो, मतलब पीवीसी पाइप है ना, उसको मैंने गैस पे गर्म करके इस तरह से शेप दे दिया। ठीक है, तो इसकी मैं बॉडी बनाने के लिए यूज करूँगा। मैं कोई साइज नहीं बताऊँगा आपको कि मैं किस प्रकार की क्या साइज बना रहा हूँ। और चलो मैं इसकी बॉडी बना लेता हूँ, पूरी बॉडी बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं क्या दिखाऊंगा, फेविक्विक की मदद से मैं इसको चिपका चिपका के बॉडी बना रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे स्पेस है, मेरे को बैटरी जितनी पतली बैटरी चाहिए उतनी मैं इसे बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पास और सेल है नहीं, मैं भी मतलब लैपटॉप की जो रिपेयरिंग होती है वहाँ से मैं पुरानी लैपटॉप की बैटरियाँ लाऊँगा खूब सारी, उनसे मैं बढ़िया अच्छी खासी एक अच्छी बैकअप वाली बैटरी बनाऊंगा। वैसे भी फ्रेंड्स, ये 4-5-6 घंटे तक आराम से बैकअप दे देगी आपको। अगर इस पर अगर आप फैन चलाते हो, मतलब मान के चलो 12 वोल्ट का फैन, तो वो कम से कम 4 घंटे आपका बैकअप दे देगी। ठीक है, ये वाली बैटरी तो देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं फ्रेंड्स ये बैटरी इसलिए बना रहा हूँ, अभी काफ़ी गर्मी आ रही है, मैं 12 वोल्ट के कूलर, फैन, सीलिंग फैन, ये काफ़ी चीज़ें बना के दिखाने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो मैं इसलिए ये बैटरी मेरे रोज़ काम के लिए मैं ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स तो हमारा बन चुका है, तो चलो मैं आपको बताऊँगा कि इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है बैटरी का। ठीक है, इनका आपको सीरीज बाई सीरीज कनेक्शन करना है। ठीक है, तो प्लस को माइनस में, प्लस एक बैटरी का प्लस दूसरी बैटरी के माइनस में जोड़ना और दूसरी बैटरी का प्लस दूसरी माइनस में जोड़ना, इस प्रकार से आप मल्टीमीटर से चेक कर करके बैटरी को बना सकते हो। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैं रख रहा हूँ, मतलब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से मैं ये बना रहा हूँ। तो मेरे पास एक बैटरी और पड़ी है, तो मैं उनका पैक बना लेता हूँ। तो मैंने 4 बैटरी का पैक बनाया है, मतलब 2 बैटरी को मैंने पैरेलल में किया है, मतलब प्लस प्लस को एक करके माइनस माइनस को एक किया है। वैसे बैटरी 3 ही है फ्रेंड्स हमारी, 2 बैटरी को हमने मतलब ये गुलाब, ये 2 बैटरी है ना, 2, तो इनको मतलब एक किया है मैंने, एक माइनस माइनस को ऐड किया और प्लस प्लस को ऐड किया, अभी हमारी 3 बैटरी है। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको डायग्राम दे दूंगा लास्ट में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में देख सकते हो। एक बैटरी का मैंने प्लस लिया और दूसरी बैटरी का माइनस लिया, और दूसरी बैटरी का जो प्लस बचाना उस प्लस को तीसरी बैटरी के माइनस में मैंने डाल दिया। इस प्रकार से मैंने ये पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन करके 12 वोल्ट बनाया है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट कुछ है, 12 वोल्ट 12.5 वोल्ट के करीबन फुल चार्ज होने पर 14 वोल्ट शो करेगी हमारी बैटरी। ठीक है, तो आपको एक बार मल्टीमीटर से भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी टेप लगा के फेविक्विक की मदद से तीनों बैटरी, चारों बैटरी को चिपका दिया एकदम अच्छे से। ठीक है, तो आपको देखना आपको, ठीक है, फिर मैं आपको प्रोटेक्शन बोर्ड जो मैंने मंगवाया है उसकी वायरिंग में इसमें बताऊँगा। उससे क्या होगा कि ये और प्रोटेक्ट रहेगी और गर्म भी बैटरी नहीं होगी, बैकअप भी अच्छा रहेगा, बराबर चार्ज रहेगी हमारी बैटरियाँ। तो इसीलिए मैं प्रोटेक्शन बोर्ड बना रहा हूँ, उसके बगैर भी आप बैटरी बना सकते हो। ठीक है, उसके बगैर बनाओगे तो थोड़ा बैकअप भी कम रहेगा और मतलब बैटरी ज़्यादा दिन तक आपकी चलेगी नहीं, बैकअप अच्छा भी नहीं रहेगा और लाइफ भी कम हो जाएगी बैटरी की। इसलिए प्रोटेक्शन बोर्ड लगाओगे तो मतलब 2-3 साल तक बैटरी आपकी कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, तो अच्छे से बैकअप रहेगा। तो चलो मैं इसका मतलब बता देता हूँ और मैं आपको इसका एक फोटो डायग्राम भी दे रहा हूँ लास्ट में, देख सकते हो। ठीक है,
जो इसके यहाँ पे आउट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको बैटरी का माइनस मतलब 12 वोल्ट का माइनस जोड़ना है, और 4.2 वोल्ट लिखा है वहाँ पे आपको 3 वोल्ट देना है, और जहाँ पे 8.4 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 9 वोल्ट देना है, 9 वोल्ट सॉरी 7 वोल्ट देना है दो बैटरी को, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, एक कनेक्शन मैंने मतलब 12 वोल्ट के माइनस पे दिया है, और एक वो कनेक्शन दिया है 4 वोल्ट पे, और एक दिया है 8 वोल्ट पे, और एक दिया है 12 वोल्ट पे, जो कि इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और मैं आपको इसका एकदम मतलब क्लोजअप बता दूंगा, और 4.2 पे देना आपको ये 3 वोल्ट वाला, ये वाला, हाँ ये जो ब्लैक वाले के सामने लगा हुआ है ना, ये आपको लगाना है, मतलब 3 वोल्ट आना चाहिए, 3 से 4 वोल्ट के बीच, ठीक है। और 7.4 वोल्ट पर आना चाहिए, 7 वोल्ट से लेके 8.5 वोल्ट के समथिंग। और जो 12 वोल्ट का प्लस वायर है ना, उस पर 12 वोल्ट का सर डायरेक्ट कनेक्ट करना आपको, ठीक है। तो मैं ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये दिखाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए, मैं ये आपको लगा के डायरेक्ट ही दिखा दूंगा अभी। तो सबसे पहले मैं आपको जिस हिसाब से बोर्ड के सब कुछ बोर्ड पे फ्रेंड्स मेंशन है, अगर आपको एक बार फिर वैसे भी ट्राई करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से क्या कनेक्शन लेना है इस बैटरी का, ठीक है, मल्टीमीटर से, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी है, मतलब सर्किट को पूरा कनेक्शन कर दिया है, इस प्रकार से आपको सारे कनेक्शन करने हैं। और जो प्रोटेक्शन बोर्ड है उसमें माइनस प्लस दो प्रिंट लिखा हुआ है, वहाँ से आपको इनपुट मिलेगा और वहीं से ही चार्ज होगी बैटरी, ठीक है, यहीं से चार्ज होगी, यहीं से मतलब इसका करंट ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन बोर्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, 20 एम्पीयर तक का लोड ये झेल सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड बैकअप अच्छा खासा रहेगा इसका, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, आपको पैक करके दिखाना है, अभी आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करवा देता हूँ पहले, कितना वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो रहा है मैं, ठीक है। और अभी फिलहाल ये फ्रेंड्स बैटरी फुल डिस है, मतलब इसमें कुछ भी प्रश्न नहीं, 8 वोल्ट के करीबन समझ सकते हो, फुल डिस है। इसको चार्ज करने के बाद में आपको इसका वोल्टेज एक बार और दिखाऊंगा, और इनसे मैं मतलब 12 वोल्ट के अप्लाइंस चला के भी दिखाऊंगा, मतलब देख सकते हो टेपिंग करके मैंने अच्छे से इसको पैक कर दिया है, ठीक है, प्रोटेक्शन बोर्ड को अंदर ही कर दिया है। और अभी आपको इसको बॉक्स के अंदर डाल देना है, ये वाला बॉक्स है, इसको अंदर फंसा देना है इसको, ठीक है। तो फंसाने के बाद ऊपर से आपको एक कैप और लगा देंगे, उसमें मतलब 2 स्क्रू देख सकते हो, मैंने इसको चिपका के अच्छे से इसको थोड़ा सा घिस घिस के फिनिशिंग भी दे दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, और फिर आपको इसको चार्ज लगाने के बाद एक बार वोल्टेज और दिखाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप वोल्टेज इसका यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, मतलब 8 वोल्ट के करीबन, मतलब हमारी बैटरी बिल्कुल डिस है, ठीक है। तो इसको 1 घंटे के लिए चार्ज लगा देता हूँ, ठीक है। 12 वोल्ट के अडोप्टर से लगाना है इसको, ट्रांसफार्मर से बिल्कुल ना करें, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर के अडोप्टर से आप इसको चार्ज लगा सकते हो। सकते हो मैंने इस पर मतलब पक्के मार्कर था जो मेरे पास, तो मैंने इससे निशान भी लगा दिए प्लस माइनस के, और बैटरी पे मैंने अपना चैनल का नाम और चैन एम्पियर लिख दिया। फ्रेंड्स ये 3 एम्पियर की नहीं है, मुझे फिर पता चला कि ये एक सेल इसका 1 एम्पियर का होता है, तो उससे इसके हिसाब से ये देख सकते हो करीबन 4 एम्पियर की बैटरी है, ठीक है। ये तो 4 एम्पियर की बैटरी है, तो मैंने इस पर 3 ही लिखा है, ठीक है। चलो जो भी है ठीक ही है। तो अभी मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ चार्ज होने के बाद, देख सकते हो मतलब फ्रेंड से अभी फुल भी चार्ज नहीं हुई है, मैंने मतलब इसको आधे घंटे के लिए ही चार्ज लगाया था, आधे घंटे के लिए, तो ये मतलब 11 पॉइंट कुछ हुई है मतलब, ठीक है। तो चार्ज मान सकते हो अगर 12, 13, 14 वोल्ट 13 वोल्ट पे ये फुल चार्ज हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी ये मैंने पंखुड़ी बनाई थी फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो नहीं देखी है, मतलब ये सीलिंग फैन बनाया था मैंने छठी मोटर से, ठीक है। तो अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके इसको देख सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सीलिंग फैन 12 वोल्ट की 775 मोटर से भी बना के बताने वाला हूँ एक दिन, ठीक है। तो उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द चैनल पर लाऊँगा, ठीक है। तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, ये मेरे पास 12 वोल्ट 20 वाट की LED है, ठीक है, ये 20 वाट की होती है, आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हो। और ये मैंने मंगवाई थी अमेजोन से, ठीक है। तो ये इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये LED मैंने खूब सारी मंगाई थी, इसमें 6 LED मुझे बिल्कुल फ्री मिली थी, और मेरे को ये थोड़ी फेक मिली थी, ठीक है।
तो अगर आपको ये परचेज़ करनी हो, अगर इनके बारे में कुछ जानना हो, इंक्वायरी करनी है, तो इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये 775 मोटर है जो कि मैंने मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट करी थी, गिव किया था अपने चैनल पे। तो मैं उनका चैनल का नाम है, नाम आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका चैनल का नाम डाल दूंगा। प्लीज़ उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उन्होंने मुझे गिव दिया था, ठीक है। तो इस मोटर को भी आपको परचेज करना है तो मैं उनकी भी मतलब चैनल का लिंक, मतलब सब कुछ, मैं इस मोटर का लिंक सब कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देख सकते हो सिलाई मशीन करके कुछ कपड़े की ले रही हैं, तो ये मैं आपको फैन से उड़ा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और आपको उसकी रियल आवाज़ भी मैं अभी सुनाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी पावरफुल हमारी बैटरी बनी होगी, आप पता लगा सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। तो चलो मैं आपको रियल आवाज़ सुना देता हूँ। अभी मैं आपको देखना इसकी हवा बताऊँगा कैसी है, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी हवा का पता लगा सकते हो अभी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।